इंस्टेंट लोन एप्स यानी बगैर ज्यादा लिखत पढ़त के चंद घंटों में ही फटाफट लोन देने वाले एप्स ने पिछले 2-3 साल में अपना जाल खूब फैला दिया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB के मुताबिक साल 2020 में साइबर अपराध के कुल मामलों में से 60.2% मामले फर्जीवाड़े के थे। हालात ये हैं कि प्ले स्टोर्स में हजारों की संख्या में अवैध लोन एप्स मौजूद हैं। रिजर्व बैंक की साल 2021 की रिपोर्ट को ही लें तो पता चलता है कि केंद्रीय बैंक के जनवरी फरवरी के जुटाए आंकड़ों के मुताबिक 81 ऐप स्टोर्स में लगभग 1100 लोन ऐप्स मौजूद हैं, जिनमें से करीब 600 ऐप्स अवैध हैं। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक बीते हफ्ते प्रवर्तन निदेशालय ने 12 NBFC के खातों में पड़ी 105 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जब्त की। आरोप हैं कि इन कंपनियों के चीनी नागरिकों के साथ संबंध हैं। इन कंपनियों ने चीन के निवेश वाली फिनटेक कंपनियों की मदद से 4,000 करोड़ रुपए के लोन दिए और 800 करोड़ रुपए का ब्याज कमाया। सवाल ये है कि लोग इन फटाफट लोन स्कीम्स के फेर में कैसे पड़ जाते हैं। दरअसल डिजिटल क्रांति के इस दौर में बैंकिंग सेवाओं में डिपॉजिट और ट्रांसफर पेमेंट तो चुटकियों में हो जाता है, लेकिन अगर आपको कर्ज की दरकार है तो विश्वसनीय संस्थाओं से इसे लेना अब भी इतना आसान नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास जरूरी दस्तावेजों का अभाव रहता है। बैंक चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, उनके पास बड़े पैमाने पर छोटे कर्ज देने का कारगर मॉडल अब भी तैयार नहीं है। शायद इसी कमी का फायदा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियां उठा रही हैं और ग्राहक की सुविधा को ही अपनी खासियत बना रही हैं। कर्ज देने वाले ये ऐप आमतौर पर 2:1:0 फॉर्मूले पर काम करते हैं, यानी फैसला लेने के लिए 2 मिनट, पैसा ट्रांसफर होने में 1 मिनट और मेल मुलाकात 0। इन ऐप्स के प्रति आकर्षित करने वाली बात यह है कि कर्ज लेने के लिए कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता, बस इसी लालच में खतरे भी छिपे होते हैं। कई लोन ऐप्स रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त नहीं होते यानी गैर कानूनी होते हैं। इनमें से कई का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग या डेटा चुराने के लिए हो रहा होता है। अब सवाल उठता है कि ये ऐप्स काम किस तरह करते हैं। ऐप्स डाउनलोड करते समय कॉन्टैक्ट्स इमेज एक्सेस की अनुमति देनी होती है। ये ऐप्स 2,000 से लेकर 10,000 रुपए तक की छोटी राशि का कर्ज देते हैं। प्रोसेसिंग फीस के नाम पर मोटी रकम काटते हैं। तकरीबन 70-80% रकम अकाउंट में ट्रांसफर होती है। लोन पर ब्याज दर बहुत ज्यादा होती है। लोन समय पर ना चुकाने पर पहले दिन से ही पेनल्टी लगने लगती है। कर्ज की उगाही के लिए लोगों को ब्लैकमेलिंग और धमकियां दी जाती हैं। कई बार कर्जदारों की मॉव्ड तस्वीरें उनके रिश्तेदारों को भेजने के मामले भी सामने आए हैं। इसी साल 10 अगस्त को रिजर्व बैंक ने डिजिटल ऋण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। केंद्रीय बैंक ने साफ तौर पर कहा कि डिजिटल माध्यम से कर्ज सीधे कर्ज लेने वाले के बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिए, न कि किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से। हालांकि चीनी ऐप्स की गतिविधियां जारी हैं और वे लगभग निष्क्रिय हो चुकी NBFC के माध्यम से अपना कारोबार कर रही हैं। साइबर मामलों के जानकारों का कहना है कि कोई ब्लैकमेल करे या धमकी दे तो कानूनी कदम उठाएं, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं और कानूनी सलाह लें। सोशल मीडिया या किसी और मीडियम से अपनी निजी जानकारियां कतई साझा ना करें।